السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نما فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها

हमारी वो इबादत अगर उन दोनों चीज़ों में से किसी एक से भी खाली होगी तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी सवाल ये है वो दोनों इबादतें वो दोनों चीज़ें क्या हैं पहली चीज़ इखलास, दूसरी चीज़ इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी कोई भी इबादत अगर इखलास से खाली है या इत्तबाए रसूल से खाली है तो वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी मसलन एक इंसान नमाज़ अदा कर रहा है पूरे इखलास के साथ वो नमाज़ अदा कर रहा है लेकिन उसकी वो नमाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक नहीं है तो वो नमाज़ अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी इसी तरीके से अगर कोई इंसान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक नमाज अदा कर रहा है लेकिन इखलास नहीं है उस नमाज में उस इबादत में तो वो नमाज अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं की जाएगी पता क्या चला कोई भी इबादत है उस इबादत के अंदर इखलास का और इत्तबाए रसूल का दोनों का एक साथ पाया जाना ज़रूरी है जब दोनों चीज़ें एक साथ होंगी जा के हमारी वो इबादत कबूल की जाएगी अल्लाह के रसूल सल्लम ने फरमाया बड़ी अजीम आप सल्लाह की अमाल का दारो मदार उसकी पर है। वो नमाज पढ़ रहा है हज कर रहा है सदका वैरात कर रहा है तजुद की अदायगी काम कर रहा है कोई भी इबादत है उससे उसकी नीयत क्या है अगर नीयत रजाए इलाही है तो उसे उस पर उसका अजर दिया जाएगा लेकिन अगर उसकी नीयत रज़ाए इलाही नहीं है बल्कि रया है दिखावा है तो वो इबादत उसके लिए वाले वा जान बन जाएगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दूसरी हदीस है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल तीन अफराद के बारे में सबसे पहले फ़ैसला किया जाएगा कल क़यामत के दिन सबसे पहला शख्स वो होगा जिसके खिलाफ फ़ैसला किया जाएगा वो मुजाहिद होगा जिसे अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया गया होगा उसे शहादत का मौत मिला होगा लेकिन जिस वक्त वो अल्लाह के रास्ते में शहीद किया गया था मुजाहिद की हैसियत से निकला था उसकी नीयत सही और दुरुस्त नहीं थी उसने इस वजह से जिहाद किया था ताकि दुनिया उसे बहुत बड़ा अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाला शख्स कहे उसे बहादुर कहे उसे गाजी कहे उसे शहीद कहा जाए उसे उसका बदला इस दुनिया के अंदर मिल चुका है लिहाजा कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने ऐसा शख्स हाजिर किया जाएगा उसके बाद फिर अल्लाह आलमीन के हुक्म से ऐसे शहीद शख्स को मुंह के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाएगा दूसरा वो शख्स होगा जिसे अल्लाह आलमीन ने कुरान का इल्म दिया होगा और उस कुरान के इल्म को उसने दुनिया के अंदर खूब आम किया होगा लोगों ने उसके इल्म से खूब इस्तफा किया होगा लेकिन उससे उसका मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करना नहीं था बल्कि कुरान के इल्म को उसने इसलिए हासिल किया था ताकि दुनिया उसे कुरान का माहिर कहे दुनिया उसे कारी कुरान कहे ऐसे शख्स को भी कल क़यामत के दिन जहन्नम में मुंह के बल घसीट करके डाल दिया जाएगा तीसरा वो शख्स होगा जिसे अल्लाह आलमीन ने खूब मालो जायदाद दे रखा था और उस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में जी भर के खर्च किया लेकिन मकसद उसका रब की खुशनुदी हासिल करना नहीं था बल्कि उसने इस वजह से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया ताकि लोग उसे सखी कहें फयाज कहें ताकि लोगों के दरमियान उसका जिक्र हो कि वो अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करने वाला है कल कयामत के दिन अल्लाह के सामने ऐसे शख्स को लाया जाएगा और सारे मामला उसके सामने होंगे उसके बाद चेहरे के बल घसीट करके उसे जहन्नम में डाल दिया जाएगा आपने देखा Quran कितना अजीम है उसके उलूम कितने अज़ीम है अल्लाह के रास्ते में खर्च करना कितना बाबरकत इल्म है शहादत की मौत किसी को मिल जाए किस कदर शर्फ की बात है लेकिन ये तीनों इबादतें अखलास से खाली थी नतीजा क्या निकला वो इबादतें उसके लिए वाले जान बन गई, बजाय इसके किन इबादतों से वो शख्स जन्नत में जाता जहन्नम में चला गया इस वजह से मेरे भाइयों कोई भी इबादत करो उस इबादत के अंदर इखलास रखो अल्लाह की रजा के लिए करो और वो इबादत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए तरीक़े के मुताबिक करो जब कोई भी इबादत हमारी इन दोनों चीज़ों के अंदर होगी तो इन अल्लाह उसका आलमीन के यहाँ हमें मिलेगा असलकुम व वरक ऐसे ही फायदेमंद इस्लामिक वीडियोस देखने और मनहज शलफ़ पर किताब सुन्नत की तालीमत को आम करने में हमारा ताउन करें ताकि आपके लिए जरिया नजात जन्नत के हसूल का सबब साथ ही माल में बरकत व इजाफे का जरिया भी बने आमीन खैरन